मुझे इतना एक्सपेक्टेड नहीं था सेरेमिक ब्रो भोपाल से, लाइक ये वाले रिजल्ट काफ़ी शॉकिंग है। सो ये देखो आप कितना ज़्यादा डिफरेंस आ गया है, एंड मेरा हाथ कितने स्मूथली इस पे सरफेस पे चल रहा है, तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो। और सेरेमिक प्रो भोपाल वो रहा, दूर से दिख जाता है मारुति सुजुकी के शोरूम के जस्ट बाजू में। अगर आपको लोकेशन नहीं पता तो रेनॉल्ट का शोरूम है, उसके बाजू में आपको दिख जाएगा। सर्वेश भैया कैसे हो भैया? सही अंदर लगा दें। ये तो R1 खड़ी है, किसकी है? क्या बात कर रहे हो, आपने कब ली? अरे वाह यार भैया, अंदर लगा दूं? अभी यहीं लगा दूं, यहीं लगा दूं। ओके डाल देंगे जब तक ठंडा हो जाएगा ना। हाँ ये भी है, ठीक है। पिछली बार नहीं था ना? नहीं था ना, तब वो स्टॉक था ना तब। हाँ टाइम हो गया, मतलब फर्स्ट सर्विस पे करा लिया था 1000 किलोमीटर पे। हाँ। मैं आपके पास कब आया था फिर? नवंबर के आसपास आया था। नवंबर के आसपास? ये क्या चीज़ है, ये पेट्रोल के निशान है कि क्या है ये गोल गोल? हाँ देखते हैं। बाकी दादा एक चीज़ और करवानी है अपन को। निकल रहा है, निकल रहा है, ठीक ठीक। इस बार एक चीज़ और करवानी है अपन को, जो एग्जॉस्ट है ना, तो एग्जॉस्ट में क्या है वो बेंट पाइप से ये एग्जॉस्ट को वेल्ड करवाया है, क्योंकि इसमें फुल सिस्टम आ नहीं रहा था उस टाइम, और मुझे ज़्यादा क्रेज चढ़ रहा था, तो मैंने स्लिप ऑन को उसमें करवा दिया वेल्ड। खैर स्लिप ऑन उसमें सपोर्टेबल है, और तरीका यही था आई एग्जाइल और ऑस्टिन रेसिंग, ये दो ऐसे एग्जॉस्ट हैं जो CBR में स्लिप ऑन ही आएंगे, और उसको वेल्ड कराना ही पड़ेगा आपको। बाकी फिर भी अब फुल सिस्टम आ रहे हैं, तो अपन को ये करना है कि ये जो बेंड पाइप है ना, मैं चाह रहा हूँ सिर्फ ये कुछ एरिया जो आपको रस्टिंग वाला दिख रहा है, अगर उसको थोड़ा सा सैंड पेपर से घिसवा के कुछ कोटिंग करा दें, जिससे वो ख़राब ना हो। कुछ कलर कर दें क्या? कलर कर दो या कोटिंग करा दो या जैसा भी ठीक लगे, मतलब बस लाइक रस्ट अपना वाला जो कोट है ना उसको तो थोड़ा प्लेन सरफेस सही रहेगा। हाँ हाँ उसके बजाय अपन साइलेंसर कोटिंग ही कर देते हैं इसका। ठीक है, है ना? ठीक है, देखना कदीर भाई, हाथ मत जला लेना इसका बोल रहे हैं। हाँ, हाँ, पीछे का। तो इस पे क्या है, या तो स्प्रे हो जाए, भले ब्लैक हो जाए, कोई भी हो जाए, वो दिखता है नहीं, लेकिन वो जब साइड से दिखता है ना तो वो खराब दिखता है। सिल्वर कर देंगे, ज्यादा रस्ट भी लगेगा तो बाद में प्रॉब्लम। हाँ भाई मेन इशू है रस्ट का, तो ये निकालना पड़ेगा क्या इसका? हाँ निकालना पड़ेगा, सिर्फ ये वाली खोलनी पड़ेगी आपको। और नीचे एक बटन लगता है वो भी हटाना पड़ेगा शायद। हाँ, ना? वो, हाँ, वो इतना पार्ट खुल जाएगा। नीचे दो बटन लगे, हाँ। दो बटन और ये दो स्क्रू, तो ये खुल जाएगा, तो फिर आप कर सकते हो। ठीक है। सो फाइनली बाजूका का ट्रीटमेंट हो चुका है, मेकओवर हो चुका है, और बाजूका बहुत ज्यादा शाइन कर रही है, एंड लिटरली दिस इज समथिंग वेरी शॉकिंग। इतने शॉकिंग रिजल्ट्स एक्सपेक्टेड नहीं थे मुझे सेरेमिक प्रो से, बट अब फाइनली सेकंड कोट हो गया है, तो मैं फ्री हो चुका हूँ कि ना रस्ट लगेगा, ना कलर जाने का कोई दिक्कत, ना स्वेल मार्क्स, मतलब बॉडी मतलब बाजूका की अलग ही शाइन कर रही है, और जो स्वेल मार्क्स थे वो सब हट चुके हैं, अब कोई मार्क नहीं है, एक स्क्रैच नहीं है यार बाजूका पे, मतलब मजा आ जाता है ऐसी बाइक देख के, क्लीन नीट एंड क्लीन बाइक देख के। सो अगर आप लोगों को भी कराना है तो आप सेरेमिक प्रो भोपाल जा सकते हो, वहां पे सर्वेश भैया मिलेंगे आपको, जिनका नेचर बहुत अच्छा है, जिनको ब्लॉग में भी देखा होगा, उनको जाके अपना बता देना कि मैजिशियन एडी के चैनल से देख के आए हैं या फिर मैजिशियन एडी के सब्सक्राइबर है, तो वो थोड़ा बहुत और डिस्काउंट कर देंगे, आई एम वेरी श्योर अबाउट दैट। लेकिन यह है कि जितनी भी बाइक्स है, KTM है, बेंटली है, जितनी भी बाइक्स है, इवन कई लोग कार्स पे करवाते हैं, कार्स पे करवाना प्रेफर करते हैं, तो आप लोग जितनी भी बाइक्स है या कार्स है आपके पास जिस पे आप कोटिंग करवाना चाहते हो, तो आई रियली वांट कि आप लोग वहीं पर जाओ, क्योंकि लाइक बहुत नॉमिनल रेट्स में बहुत अच्छा काम होता है। तो यार मेरा क्योंकि एक्सपीरियंस वहां पे इतना अच्छा रहा, और अभी तक का वहां जो ट्रीटमेंट मिलता है, वहां एक वाइब्स आती है पॉजिटिव, वो बड़ा अच्छा लगता है, उनका बात करने का नेचर, लाइक लिटरली आप जब बाइक वहां ड्रॉप करके आते हो ना, सबसे ज्यादा टेंशन रहती है कि यार मेरी बाइक को कुछ ना हो, और वहां जब आप बाइक ड्रॉप कर रहे हो तो आपको ऐसा लगता है कि आपके घर पे ही बाइक खड़ी हुई है। कल बारिश हो रही थी तो कल मैं जा नहीं पाया, भैया ने बोला था एक दिन का टाइम लगेगा, परसों मैंने बाइक दी थी, फिर कल मैं जा नहीं पाया, और आज मैं जब बाइक लेके आया हूँ तो आज की फीलिंग कुछ अलग ही है, मतलब ट्रस्ट मी गाइस।
और इस पूरे दौरान पे मुझे हेडेक नहीं थी कि यार मेरी गाड़ी कहाँ खड़ी है, कोई दिक्कत तो नहीं होगी लिटरली, तो वो सब सारी चीजें अच्छी लगती है। सो पहुंच गए अपन सेरेमिक प्रो भोपाल और अब अपनी बाइक हो गई होगी तो अंदर जाके देख के आते हैं कि बाइक कैसी हुई है। चलो लेट्स गो। और ये भैया की R1 खड़ी है यहाँ पे, वो रही अपनी CBR। क्या बात है, क्या दिख रही है यार, वाओ। सो गाइस फाइनली आज हम हैं सेरेमिक प्रो भोपाल पे और ये रही अपनी बजूका, तैयार हो गई है CBR 650R। फाइनली इतने ज़्यादा शॉकिंग रिजल्ट्स की एक्सपेक्टेशन नहीं थी मुझे, क्योंकि ये देखो यार कोई सोल मार्क नहीं है। आप जब ऊपर से लाइट्स पड़ रही है तो आपको यूजुअली बाइक पे सोल मार्क दिखते हैं, बट यहाँ पे ये देखो कोई भी सोल मार्क नहीं है, पूरी बाइक शाइन कर रही है, एक अलग ही शाइनिंग सरफेस हो गया है उसका। और एक चीज़ और अच्छी है कि इवन कोटिंग है पूरी बाइक पे, प्लस मैंने भैया से कुछ कुछ चीज़ें बोली थी जो भैया ने स्पेशली ध्यान दी है, जैसे कि एक चीज़ मैंने बोली थी कि जो एग्जॉस्ट है हमारा और एरो के हेडर्स हैं उसके बीच का जो पोर्शन था, तो मैंने उनसे बोला था कि इसको अंडर कोटिंग कर देना, तो उन्होंने ये पेंट नहीं है ये अंडर कोटिंग है, तो इससे ये होता है कि जब नीचे से पेबल्स वगैरह कुछ पड़ते हैं इसके सरफेस पे या फिर मिट्टी वगैरह या पानी रहता है तो उससे ये रस्ट नहीं पकड़ेगी। अब ये है कि 2-1 साल तक की तो फुर्सत है, इसमें अब कुछ काम नहीं लग रहा। और बाकी एग्जॉस्ट पे भी इन्होंने कोटिंग की थी, बाकी ये तो स्क्रैच आ गया था एग्जॉस्ट पे तो वो उसका कुछ नहीं हो सकता, बट ये है कि एग्जॉस्ट पे काफ़ी कोटिंग कर दी थी, तो अब इसके बाद अब मुझे उतना ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है एग्जॉस्ट के विषय में। और बाकी ये देखो आप डिटेल्ड वर्क कितना है, आई मीन सी द सरफेस और जो स्मूथनेस है यहाँ पे लाइक अलग ही लेवल की है। बाकी इंजन पे पूरी कोटिंग की है उन्होंने और बाकी ये हमारा साइड का पैनल है। एक चीज़ जो थी हमारे साथ, बाइक जब हमारी आगे से टकरा गई थी, याद है अगर आपने वो वाला व्लॉग देखा होगा जिसमें बाइक यहाँ से टकराई थी, तो थोड़ा सा स्क्रैच आ गए थे, बट नाउ यू कैन सी कि वो स्क्रैचेस भी यहाँ नहीं दिख रहे हैं अब, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है कि सेरेमिक कोटिंग होने के बाद थोड़ा कलर करेक्शन वगैरह होने के बाद यहाँ पर वो जो माइनर स्क्रैच थे वो गायब हो गए। सी पूरा एरिया क्लीन हो चुका है, अंदर का भी ये पूरा क्लीन हो चुका है, तो वो जो प्रॉब्लम अपन को लग रही थी कि यार स्क्रैचेस आ गए हैं या ऐसा कुछ, तो वो बिल्कुल भी नहीं दिख रहे हैं। और उस साइड से भी देख लेते हैं अपन, ये नीचे का एरिया तो यूजुअली टकराता ही है, तो फिर इसके बाद अब अपन नीचे से पूरा चेंज कराने का तो कोई सेंस नहीं है, क्योंकि यहाँ यूजुअली मड रहती है या नीचे गाड़ी कहीं भी स्पीड ब्रेकर पे आती है तो वो थोड़ा बहुत तो हो ही जाता है पेंट चिप ऑफ, बट यह है कि जो स्क्रैच थे जो अपन को लग रहे थे कि हाँ इशू क्रिएट कर सकते हैं, वो स्क्रैचेस पूरे हट गए, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ हो गई है। और बाकी अंदर का देखो पूरे एग्जॉस्ट वगैरह का यहाँ पे काफ़ी अच्छी लेयर चढ़ गई है, तो एक स्मूथनेस अलग फील हो रही है सरफेस पे। बाकी ये रिम है, रिम भी पूरे कवर हुए हैं। आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आपको एक व्लॉग दिख रहा होगा, आप वो देख सकते हो कि इसकी पूरी कोटिंग होती कैसी है, पूरा प्रोसेस कैसा है, वॉशिंग से लेके आखिरी यूवी जो स्टेज होती है वहाँ तक की पूरी कोटिंग मैंने दिखाई है। प्रीवियस व्लॉग है जब मैंने फर्स्ट सर्विस करवाई थी सेरेमिक प्रो पे, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हो, ऊपर यहाँ लिंक आ रहा होगा उस पर क्लिक करो सो दैट आप लोगों को वहाँ एक्सेस कर सकते हो उस वीडियो को, और उस वीडियो को देखने के बाद वापस इस वीडियो पे आओ। ये हमारी सेकंड सर्विस है, बेसिकली इसमें ये रहता है कि सेरेमिक प्रो जो सर्विस ऑफर करता है उसमें ये रहता है कि एक बार में आपको विद इन 2 ईयर के बीच में आपको एक सर्विस फ्री रहती है, तो वो जस्ट ये रहती है कि कभी आपको लगे कि आपका बॉडी का कलर डल हो रहा है या ऐसा कुछ, या आपको कुछ भी करेक्शन करवाना है, या कई लोग होते हैं ना कि नहीं यार मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पे थोड़ा कम हुआ है यहाँ ज़्यादा हुआ है, या ऐसे कोई भी प्रॉब्लम अगर आए तो आप वो सर्विस में करा सकते हो। अदरवाइज़ यूजुअली टचअप वगैरह रहता है, बेसिकली इसमें भी कोटिंग पूरी हुई है, लेकिन जैसे कि मुझे क्योंकि सेरेमिक प्रो भोपाल से कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी, तो एज इन मुझे मेरा कलर भी डल नहीं हुआ था जो सेरेमिक कोटिंग के बाद जो एक शाइन थी वो बरकरार थी, बट ये कि 11 मंथ्स हो चुके थे। बेसिकली सेरेमिक प्रो भोपाल की मैंने वो वाला पैकेज लिया था जिसमें 2 ईयर का टोटल कवर्ड रहता है, तो फर्स्ट ईयर मेरा कंप्लीट हो गया था, बट फर्स्ट ईयर में मुझे लाइक भगवान की दया से और इन लोगों ने काम इतना अच्छा किया था कि मुझे तो स्पेशली कोई प्रॉब्लम नहीं आई। कई लोग होते हैं जैसे कई किसी को लगता है कि नहीं यार अब हमारी गाड़ी में स्क्रैच आ गया तो सेकंड सर्विस में आप वो चीज़ कवर अप कर दो, जो माइनर स्क्रैचेज हैं वो बहुत जल्दी कवर अप हो जाते हैं सेकेंड सर्विस में, तो जस्ट 1 ईयर का उनका एड ऑन रहता है वीकेंड से जिसमें वो फ्री सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो अगर आपको कभी लगे तो आप 2 साल में कभी भी आके करवा सकते हो। तो मेरे 11 मंथ हो गए थे
एंड बाइक पे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बस जो शाइन बरकरार थी और सारी चीज़ें थी। बस हमारे 12 मंथ होने के पहले मैंने सोचा कि एक बार फिर से कोटिंग करा देते हैं ताकि एक और ग्लॉसी लुक आ जाए, काफ़ी शाइनी लुक आ जाए। तो मुझे इतना एक्सपेक्टेड नहीं था सेरेमिक प्रोपोवाल से, लाइक ये वाले रिजल्ट काफ़ी शॉकिंग है। पिछली बार भी काफ़ी शॉकिंग रिजल्ट मिले थे, बट इस बार जब ये फाइनल कोटिंग हुई है, सेकेंड कोटिंग, इसके बाद तो काफ़ी ज़्यादा शाइन कर रही है। सो ये देखो आप कितना ज़्यादा डिफरेंस आ गया है, एंड मेरा हाथ कितने स्मूथली इस पे सरफेस पे चल रहा है, तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि इसकी शाइन और इसका जो स्मूथनेस है इसकी कोटिंग का, उसका आपको काफ़ी समझ में आ जाएगा। बाकी यह है कि इसकी काउल सीट रह गई थी, तो मैं भैया को ला के दूँगा काउल सीट, तो जल्दी हम लोग काउल सीट यहाँ छोड़ के चले आएँगे, तो भैया कर देंगे कभी भी और फिर वापस कभी भी हम लोग ले जाएँगे, तो मैं आज भी लाना भूल गया काउल सीट। तो एनीवेज बाकी रिम वगैरह कवर हो गए, एग्जॉस्ट कवर हो गया, तो ऑलमोस्ट हमारी पूरी बाइक कवर हो गई है, जितने एरियाज़ में पॉसिबल रहता है सेरेमिक कोटिंग करना वो सारे एरियाज़ कवर हो गए। तो आप लोग भी यहाँ आ सकते हो और अपनी बाइक करवा सकते हो। बाकी मैजिशियन एडी का बता देना तो डिस्काउंट भी मिल जाएगा, आई एम वेरी श्योर कि भैया आप लोगों को अच्छा डिस्काउंट दे देंगे। तो बाइक का मेंटेनेंस ज़रूरी है अगर आप बाइक लवर हो तो, और बाइक हमेशा शाइन करनी चाहिए, तो ये चीज़ ज़रूरी है सेरेमिक कोटिंग। तो यहाँ आओ करवाओ और बाइक को अच्छे से रखो। सो सी यू ऑल इन द नेक्स्ट व्लॉग। अब मैं यहाँ से वापस घर जाता हूँ, और घर जाते जाते पेट्रोल भी डलाना है, और इनफैक्ट वापस भी आऊँगा क्योंकि काउल सीट देनी है। सो या सी यू ऑल इन द नेक्स्ट व्लॉग। सो फाइनली अपनी सीट भी हो गई है और काफ़ी शाइन कर रही है, काफ़ी ज़्यादा शाइन। अब इसको कल अपन बाइक पर अटैच कर लेंगे तो ये बढ़िया हो जाएगी, पीछे से भी काफ़ी साफ़ सुथरी कर दी थी। चलो सो लेट्स गो। सो गाइज आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन हिट करें, वीडियो को लाइक करें, उस पर कमेंट करें एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें।